अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरीन। आप देख रहे हैं जरीन किचन। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटनी। इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी पराठे के साथ भी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 6 टमाटर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, कड़ी पत्ता, 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा। चलिए बनाते हैं। गैस पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डालकर हमें इसे इतना ही उबालना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका आसानी से निकल जाए। ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका भी अलग होने लगा है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाएगा। टमाटर का ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए, सारे टमाटरों के मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में दरदरा पीस भी सकते हैं। ये देखिए, सारे टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है। चलिए अब इसे बनाते हैं। गैस पर मैंने पैन रख दिया था और उसमें डाल दिया है 3/4 कप जितना तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे राई। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें डाल देंगे जीरा, कड़ी पत्ता। इसी में डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसे चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन को पकते 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर टमाटर गलने तक 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। टमाटर को पकते 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए खोल कर देखते हैं। टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे ढककर और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए खोल कर देखते हैं। ये देखिए, टमाटर का सारा पानी सूख चुका है। टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। बस अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।